शैलेश जी, उस टाइम आज से 20-25 साल की पढ़ाई का जिक्र करता हूँ जी। आज बच्चे 90% नंबर लाते हैं तो भी बच्चों को तनाव है, माँ बाप को भी तनाव है, चाहे बच्चा कितनी मेहनत कर ले जी। वहां से मैंने हास्य व्यंग का विषय लिया है, नसीम भाई आप आनंद लीजिएगा प्रथम पंक्ति से जी। और हमारी भाषा का आज विषय चल रहा है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है भाषा के लिए जी। साहब समर्पित है आपको, निया जी आप तो पढ़ी लिखी लग रही है, शैलेश जी को समर्पित है। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। क्यों? हम तो 7-8 भाई थे, हाँ पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, हाँ सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई हमेशा कई कई ट्यूशने पढ़ा, अच्छा पूरा जोर लगा लिया, नेहा जी अगली क्लास में नहीं चढ़ा। एक दिन नाम ही कटवाना पड़ा, हाँ। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से निकलवा लिया। भाई साहब ध्यान करना, मुझे तो याद है 12वीं में मेरे अकेले के 43% आए थे। 43%, 43, हाँ मेरे अकेले के 43% आए थे, घर वाले क्या रिश्तेदार तक फूले नहीं समाए थे। रिजल्ट देखकर घर लौटा, भाई साहब अद्भुत घड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अनिल। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबह की सवामनी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, मार्कशीट शीशे में जड़वाकर ड्राइंग रूम में टंगवा दी। यूं समझ लो बधाई देने वालों के तांते लग गए। पिताजी तो लोगों को धन्यवाद धन्यवाद कहते कहते थक गए। बड़ी अम्मा जी ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड ज्योत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी, शैलेश जी 6 महीने से पहले ज्योत बुझानी पड़ी। बड़े भाई ने तो तब अचंबा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में अगले दिन मेरा नाम नहीं आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा, दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला। कोरेस्पोंडेंस पत्राचार, सब कुछ रह गया धरा का धरा, दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला, लेकिन ना कोई शिकवा ना किसी से गिला। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। कई बार तो भाई साहब सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। सिलेबस एक्सपायर, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनिल। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, राम लखन जी बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई साल लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। क्या बात है, वही बच्चे आज विजेता बन गए, उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन आज बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, माँ बाप का प्यार कंप्यूटर व मोबाइल की भेंट चढ़ गया, माँ बाप का प्यार। क्या बात है, वाह 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 वाह।